आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। मनरेगा यानी रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में दम तोड़ रही है। मनरेगा के तहत मिट्टी मुरम रोड में कार्य किए हुए मजदूरों को आज 10 वर्ष बीत चुके हैं, मगर नहीं मिली मजदूरी। आज भी मजदूरी का पैसा मिलने की आस में बैठे हैं मजदूर। कई मजदूर तो स्वर्ग सिधार गए, सड़क पूरी तरह से आज बदहाल हो चुकी है। आपको बता दें कि पोटका प्रखंड अंतर्गत जुड़ी पंचायत के नुआ ग्राम से गंगाडीह जाने वाले बाईपास रास्ते का मिट्टी मुरम रोड का कार्य 2010 में प्रारंभ हुआ था, जिसके बाद इस सड़क में लगभग 50 मजदूरों ने कार्य कर इनका निर्माण किया था। रोड की स्थिति तो आज बद से बदतर है, यहाँ पर कई दुर्घटनाएं घट चुकी है। वहीं स्थानीय किसान व मजदूर कहते हैं कि हम सभी को अपनी फसल उत्पादन के बाद 4 किलोमीटर घूमकर लाना पड़ रहा है। इसके सड़क के बन जाने से हम सुगमता के साथ अपने फसल का उत्पादन कर घर तक ला सकते हैं, मगर कई बार स्थानीय लोगों द्वारा लिखित में देने के बाद भी इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। वहीं इस सड़क के निर्माण में 2010 में लगे लगभग 50 मजदूरों ने लगभग 40 दिनों तक कार्य किया। इसके बाद भी इन मजदूरों को आज तक मजदूरी नहीं मिल पाई है। मजदूर काफी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि गांव की सड़क थी, इसीलिए हम लोग जी जान से मजबूती के साथ सड़क का निर्माण कार्य में लगे रहे, मगर कार्य कराने के बाद इन्हें मजदूरी तक आज तक नहीं मिल पाई है। मजदूर मजदूरी की आस में स्वर्ग सिधार गए, मगर अब भी कई मजदूर मजदूरी की आस लगाए बैठे है। जमशेदपुर से शिवशंकर साह की रिपोर्ट। কমলা সর্দার, আর এই রোড বানাচ্ছিল আমাদের গ্রামে, তো রোডটা কাজ করলি, আমরা কাজ করলি, বাকি আমরা বেতন পাই না, বেতন পাই না, আর আমাদের রোডও হয় না, রোডও হয় না, আর আমাদের রোড একদম গাঢ়া ধরা হয়ে রয়েছে, যেমনি আধা পুরা করেছিলি ওই রঙেই রয়ে যাইছে। আর আমাদের এখন যাতে আসতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে, গরু বাছুর যাতে অসুবিধা হচ্ছে, ছাছানাও যাতে অসুবিধা হচ্ছে, যেমন এই বৈলগাড়ি আসা যাওয়া সব এই অসুবিধা হচ্ছে। আর যেমন আমাদের বেতনও মিলুক, আমাদের রোডটা যেমন এটা হোক। সড়ক স্থিতি হ্যাঁ, জেসে 10 সাল পেলে কি হওয়া থা ওইসে স্থিতি হ্যাঁ, হামলো 39 দিন কাম কিয়ে থে ইসমে। তো পয়সা মিল পায়া? নেই স্যার, নেই মিলা হামলো কো পয়সা। কিস যোজনা মে কাম কিয়ে থে? নরেগা মে। আজ সড়ক কা কিয়া স্থিতি হ্যায়? आज सड़क की स्थिति 10 साल पहले जो था उससे भी कई ज्यादा खराब है आज ये हम लोग का रास्ता सर। पैसा क्यों नहीं मिल पाया मनरेगा में काम करने के बाद? सर बोला तो था कि दे यहाँ देंगे पैसा बोल के, तो यहाँ तुम लोग काम करते रहो, महीना एक महीना में देंगे पैसा बोल के ऐसा बोला था। जो हम लोग जब पूछे थे कि हम लोग को पैसा दीजिए तब ना हम लोग काम करेंगे, तो बोलता है नहीं अभी नहीं, एक महीना बाद में देगा। तो हम लोग जो ठेकेदार था तो लोग बोल रहे थे कि अगर हम लोग को पैसा नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ से पैसा देंगे। तो हम लोग बोले थे कि पैसा नहीं है तो हम लोग काम नहीं करेंगे, तो बोलता है ऐसा कोई बात नहीं है, सरकारी काम है, सरकारी वाला जब देगा तो हम लोग देते रहेंगे बोल के। अभी बहुत ही खराब है हम लोग का, इस साल तो किसान लोगों का बहुत ही दिक्कत हुआ है। और हम लोग जो पहले काम किए थे 2010 में तो बनाए गए थे रोड, और रोड का तो आज तक पैसा। किस योजना में काम किए थे? मनरेगा में। और हम लोग का पैसा आज तक किसी लेबर का पेमेंट नहीं हुआ है, और आज तक ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये रोड बनाया जाए, और हम लोग का किसान लोगों का तो दिक्कत नहीं होगा आने जाने में। इस साल तो बहुत ही दिक्कत है, क्या बैलगाड़ी रोड से गया नहीं है, और छोटा गाड़ी भी गया नहीं है, ट्रक से धान हम लोग का उधर से घूम घूम के गिरिभाती स्कूल हो के फिर धान सब लाए गए। कितना दिन काम किए थे? काम तो सब समान नहीं किए थे, कोई 40 दिन किए हैं, कोई जो जितना दिन किए हैं, हम लोग लगभग 15-20 दिन किए थे हम। और कैसा मिल पाया? ना पैसा आज तक हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम माया रानी महतो। जो है ये विशेषकर हमारे नुआग्राम के तमाम किसानों के जो मुख्य रास्ता है, इसी रास्ता की ओर से हाल बैल गाड़ी उड़ी इसी रास्ता से ले जाते हैं, और कम से कम सैकड़ों किसानों का इधर जमीन है। और ये नुआग्राम से ये रास्ता ले, नुआग्राम से
आपका नेताजी पब्लिक स्कूल होते हुए गंगाड़ी तक जाती है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट रास्ता होते हुए भी हम लोग को ये रास्ता के लिए कई बार मनरेगा से हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराने का प्रयास किया गया और आवेदन निवेदन किया गया, लेकिन कहीं से कोई किसी प्रकार की यहाँ से बनाया नहीं गया, काम पूरा नहीं हुआ। हम लोगों को ये जमीन देख रहे हैं आप, हमारे सामने जो जमीन है, इस जमीन का हम लोग धान कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर घुमा करके ट्रैक्टर से ले जाते हैं। अगर इसको नहीं बनाया, जब तक नहीं बनाया जाता है तो हम लोग को काफी दिक्कत, छोटे छोटे बच्चे घुस जाते हैं। अब बैल एक बार घुस करके यहाँ पैर टंगड़ी टूट गई थी, कुछ महिला जाते जाते महिला गिर गए थे, पैर टूट गई थी, इसीलिए इसको तुरंत कार्रवाई करते इसको बनाया जाए। इसको इस रोड को बनाने से यहाँ से स्कूल तक गंगाड़ी तक जाने में सहूलियत होगी, किसान जो है आराम से अपना काम कर पाएंगे। ये जो कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ये तकलीफ नहीं होगी और खर्च भी नहीं में बढ़ेगी, आराम से किसान लोग अपना खेती कर सकते हैं। इसीलिए कृपया इसको तुरंत इसकी कार्रवाई करते हैं, इसके रोड को बनाया जाए। कितना किलोमीटर सड़क है ये? 1 किलोमीटर लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर होगी। और ये जो देख रहे हैं महिला है, इन लोग का भी न कहीं इन लोग ये सफर किए हैं इस रास्ता में, कहीं गिरे हैं। छोटा छोटा बच्चा तो पानी बरसात के दिन में तो डूबते हुए पार होता है, ये छोटा बच्चा ना मुंडी यहाँ तक पानी आ जाता है, मुंडी तक छोटा बच्चा पानी उठ जाता है।